हाय सांग मैंने तो मुझे आसी जा कंटिन्यू करवा जो एस एस सी जि जी विषय में कथा होते तार जो फुल नोटिफिकेशन डिस्कशन करते तार आम पार्ट टू नहीं आसी तो आज आम डिस्कशन करवा जो एग्जाम हम एग्जाम स्कीम कौन आ सिलेबस कौन तो कमी कौन सब आम प्रिपरेशन करवा से विषय भी आम डिस्कशन करवा बुझीगला तो आम पी एच पी एच डी विषय भी डिस्कशन करवा ठीक अच्छे तो चलतु स्टार्ट करवा तो प्रथम मुझे कहबी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो एग्जाम हम कौन कौन टॉपिक आसीबो तो प्रथम पार्ट ए रे कौन आसीबो ना जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस जी आई एंड रीजनिंग जी आई जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रीजनिंग आसीबो पार्ट ए रे केत क्वेश्चन आसीबो क्वेश्चन आसीबो पिला माने 20 आ मार्क आसीबो पिला माने केते ना 40 क्वेश्चन 20 था किंतु गोटे क्वेश्चन दीटा दी मार्क तो 40 मार्क ठीक अच्छे तो जी आई आ रीजनिंग रीजनिंग जा बुझ पा लिखी दूसरी पूरा ये है पार्ट ए ठीक अच्छे तो रीजनिंग बहुत इजी तो रीजनिंग भी वन बाय वन मु क्लास करी तो रीजनिंग पूरा आम सब्जेक्ट वाइज खत्म करवा जदि ये चैनल को आपने देखुं तो चैनल खूब शीघ्र चैनल वीडियो एजुकेशन वीडियो आसपा जाऊँच तो वन बाय वन टॉपिक मु फिनिश करी प्रथम रीजनिंग फिनिश करदेवि रीजनिंग भी जो मैंने जानवा चाहते बहुत कम समय रे तो से निश्चित सब्सक्राइब करूँ आउ क्लास अटेंड करूँ ठीक अच्छे तो रीजनिंग फर्स्ट 40 मार्क आसो 20 क्वेश्चन नेक्स्ट जो आम कथा हाँ जनरल नॉलेज पार्ट बी रे आसो जनरल नॉलेज जीके आसो एंड जनरल अवेयरनेस जीके एंड जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस ये भी क्वेश्चन आसो पे 20 क्वेश्चन ये भी सही 40 मार्क बुझीगला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो आसो पार्ट सी रे से आसो कौन ना एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स पार्ट सी एलिमिनेटरी मैथमेटिक्स ये भी कैसे क्वेश्चन आसो सही 20 आ मार्क रहिबो 40 ये ला पार्ट सी पार्ट डी रे जो आसो आम पार्ट डी रे पे आसो इंग्लिश ये ऑप्शनल इंग्लिश और हिंदी जेको गोटे सब्जेक्ट को चूज कर पारे बुझीगला ये भी सेम 20 क्वेश्चन 40 मार्क तो ये रहा टोटल एग्जाम स्कीम तो आम वन बाय वन आम जो क्वेश्चन डिस्कशन करवा इम्पोर्टेंट जिन जान ठीक अच्छे तो ऑल क्वेश्चन विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आसो गोटे क्वेश्चन थी तरह ऑप्शन चार थी से भी तुमने को डिसाइड करा पड़ो कौटा ठीक आंसर जो भल भाव जानते बुझा किसी आवश्यक ना आउ से जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हम से इन इंग्लिश हिंदी एंड मतलब 13 अन्य लांगुएज जहाँ भी पूर्व भिडियो कही सारी से 13 लांगुएज एग्जाम दे पारे आउ ये माइनस मार्क भी अच्छी 0.25 जदि गोटे आंसर जब भूल कले माइनस के ठीक तुम 0.25 माइनस हो कह अर्थ जब चारोटी भूल करुँचे कौन हम ना गोटे ठीक रू कटिज सीधा सीधा बुझाक यह नुह तीन टा भूल कले कि कटोनि गोटे भूल कले भी तुम मानने एक चौथाई मान चार भाग भागे मार्क तुम कटिज बुझीगला ये है माइनस मार्क माइनस मार्क अच्छी चेस्टा करेंगे जहाँ आसूच कनफर्म ताकू ही अटेंड करेंगे अदरवाइज ढाबा फाउ मारे कि कौन से आंसर करेंगे ना ठीक हुए ना इम्पोर्टेंट जिन जहाँ एग्जाम विषय कह तो मॉक टेस्ट भी गोटे आसो एग्जाम किसी दिन पूर्व से ऑफिशियल वेबसाइट रे मॉक टेस्ट दे दिबो तो से प्रैक्टिस करके जी तरह कौन हम ना जो सिस्टमेटिक तरह जो तरीका क्वेश्चन तो सेम मिलोनी कि जो सिस्टमेटिक तरीका एग्जाम देवार
ସେଇଟା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ହେଇଯିବ କି ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବ, ଏମିତି ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଏ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, ତ ସେଇସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ଧାରଣା ଆସିଯିବ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମକୁ ଟିକେ ସହଜ ହେବ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୱାନ୍ ବାଇ ଆମେ ଏବେ ଟପିକ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କି ଆମେ ଯେଉଁ ରିଜନିଂ ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଏ, ପାର୍ଟ ପାର୍ଟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କି ପାର୍ଟ ଏରେ ରିଜନିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ ରିଜନିଂରେ ତୁମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। ଦେଖ ରିଜନିଂ ଜେନେରାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ରିଜନିଂ, ଯେ ରିଜନିଂରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରିଜନିଂରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖେ, ତ ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ ନା। ବେଶିକ ଯେଉଁ ରିଜନିଂରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ସେ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଟାଇପ୍ ଆସିବ, ଭର୍ବାଲ୍ ଟାଇପ୍ ବେଶୀ ଆସିବନି, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ପ୍ରାଇମେରିଲି ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ଟାଇପ୍ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିବ ଆନାଲୋଜି, ଆନାଲୋଜିରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସିମିଲାରିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ତ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଆମେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସବୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରିଜନିଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ରିଜନିଂ ହିଁ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ମ୍ୟାଥ୍, ତାପରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଜିକେ, ଏସବୁ ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ମାନେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସିମିଲାର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ, ତାପରେ ଆସିବ କ'ଣ ନା ସ୍ପାଟିଆଲ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍, ସ୍ପାଟିଆଲ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍, ଭିଜୁଆଲ୍ ମେମୋରୀ, ତାପରେ ଆସିବ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍, ତାପରେ ଅବଜରଭେସନ୍, ତାପରେ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କନ୍ସେପ୍ଟ ଯାହାକି ଆମେ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯାହା କହୁଛେ। ତ ଏରିଥମେଟିକାଲ୍ ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ଫିଗରାଲ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ଏରିଥମେଟିକ୍ ନମ୍ବର ସିରିଜ୍, ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ସିରିଜ୍, କୋଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିକୋଡିଂ, ତ ଏସବୁ ଚାପ୍ଟର ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଡ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ହେଲା ଚାପ୍ଟର। ଯଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ କହିବି, ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଆନାଲୋଜି, ଆନାଲୋଜି କଭର୍ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ସିମିଲାରିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତାକୁ କଭର୍ କରିବେ। ଥାର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ବ୍ଲଡ୍ ରିଲେସନ୍, ସେସବୁ ନିଶ୍ଚିତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ତାକୁ। କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂ ତ ବିଲକୁଲ ସେଠୁ ତିନି ଦୁଇ ନୁହଁ ତିନି ମାର୍କ ଥୁଆ କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂରୁ, ତ କୋଡିଂ ଡିକୋଡିଂକୁ ବିଲକୁଲ କଭର୍ କରିକି ଯିବେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍, ଯେଉଁ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍ ସିରିଜ୍ ଆସୁଛି, ଫିଗରାଲ୍ ସିରିଜ୍ ଆସୁଛି ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖିକି ଯିବେ। ତ ଏସବୁ ଆଉ ଏରିଥମେଟିକାଲ, ଏରିଥମେଟିକାଲ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ରିଜନିଂ, ଏରିଥମେଟିକାଲ ରିଜନିଂ ଆଉ ଫିଗରାଲ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ଯେଉଁ ଫିଗର ଦେଇଥିବ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିକି ତାକୁ ଓଲଟା ପୁଲଟା କରିକି ଦେଇଥାଏ ନା, ତେଣୁ କି ତାପରେ ଆଗ ଦେଇଥିବ ଏମିତି ଟିକେ ଓଲଟା ଟିକେ ଟିକେ ଓଲଟା ତାପରେ ପଚାରିଥିବ, ତ ଫିଗରାଲ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରାତ୍ମକ ଯେଉଁ ରିଜନିଂ ଦେଖିଥିବେ ସେଇସବୁ ବି ପଢ଼ିକି ଯିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବେ, ପଢ଼ିକି ତ କହିବିନି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବେ, ଓଭିଅସ୍ଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ କଥା ହେବା ଆମେ ଜିକେ ବିଷୟରେ, ଜିକେରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜିକେ ଜିକେ ତ କିଛି ସୀମା ହିଁ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ କହିବି କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବହୁତ କମ୍ କିମ୍ବା ଏବେ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଜିକେକୁ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରିଜନିଂ ଇଂଲିଶ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମାର ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଏ ତିନୋଟିକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତିନୋଟି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ 40-40 ମାର୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ଆମର 30+ ମାନେ 35-34 ଏମିତି ମାର୍କ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଜିକେରେ ମୁଁ ସଜେସନ୍ କରିଦେବି, ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ଜିକେ, ଷ୍ଟାଟିକ୍ସ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ, ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବେ ବାସ୍, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ରିପିଟେସନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯେତେକ ସବୁ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି SSC କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେଇଛି ତାର ପଢ଼ିକି ଦୁଇ ଚାରିଥର ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ କଭର୍ କରିନେବେ, ପଢ଼ି ପଢ଼ି ରିଭାଇଜ୍ କରିନେବେ, ତ ଆରାମସେ ଜିକେରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଜିକେରେ 40+ ଆରାମସେ 20+ ମାର୍କ ରଖିନେବେ, ବାସ୍ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଜିକେରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି, ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେନି, କାରଣ ଟାଇମ୍ ଖାଇଯିବେ, ଯାହା ପଢ଼ିକି ଯିବେ ସେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିବନି, କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ଏ ହେଲା ଆମର ଜିକେ, ଯେ ଜିକେରେ ବେଶୀ ତାର ଇଏ ନାହିଁ, ସେ ତ ଲେଖିବ ପୁରା ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟି, ଜେନେରାଲ ପଲିଟି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ସମ୍ବିଧାନ ଅଭିୟସ୍ଲି ପଢ଼ିକି ଯିବେ, ସମ୍ବିଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଖିବେ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଉ ସମ୍ବିଧାନ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ ସମ୍ବିଧାନରୁ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର, ଜିଓଗ୍ରାଫି, ଇକୋନୋମିକ ସିନ୍, ଜେନେରାଲ ପଲିଟି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତ ଜେନେରାଲ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ରେ କଭର ହେଇଯିବ, ସେଠୁ ପଢ଼ି ନେବେ, ବୁଝିହେଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଜେନେରାଲ ଜିକେ। ତାପରେ ଆମେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ନା, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ରୁ ସିଧା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆମର ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ, ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍,
कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स डेसिमल एंड फ्रैक्शन दशमिक फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर और फंडामेंटल एरिथमेटिकल ऑपरेशंस परसेंटेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन इंपोर्टेंट परसेंटेज भी बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए एवरेज इंटरेस्ट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट इंटरेस्ट कलेक्ट हो मैंने से सिंपल इंटरेस्ट भी आसो प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट भी आसो से दुजाक प्राक्टिस करके टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड टाइम टाइम एंड वर्क एक्सेट्रा तो ये सब देखा तुमको मिले बुझे मार्थ जो इंपोर्टेंट कह लिखी परसेंटेज परसेंटेज भेरी भेरी इंपोर्टेंट कारण जेकोसी सल्व करते परसेंटेज निश्चित लगे परसेंटेज भल भाव कवर ने इंपोर्टेंट कह इंटरेस्ट इंटरेस्ट देखिए ने आवरेज आवरेज तो भेरी भेरी इंपोर्टेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस ये देखा मिले मेन्सुरेशन भी दुटा क्वेश्चन देखा मिले बेस हार्ड आसवानी हाँ आउ गए कथा तुमको कहीदेवी कि जो भी जहाँ भी क्वेश्चन आसो सब टेन्थ लेवल रू मैंने बस बहुत भावे बहुत हाई फाइव बहुत हार्ड पल ना से पूरा टेन्थ लेवल रही क्वेश्चन आसो बहुत हार्ड आसवानी से बिल्कुल वरी जो भी हे ना तापर आम जब कथ हिंदी कि इंग्लीश ग्रामार करते से कौन ना इंग्लीश कंफ्यूजन आसो इंग्लीश हिंदी ग्रामार आसो से बिल्कुल अदी जब जहाँ टे इंग्लीश ग्रामार कि हिंदी ग्रामार जानते आराम से हिंदी कि इंग्लीश ग्रामार आराम से 30+ मार्क रखी पारे बुझेगा तो ये थी एग्जाम सिलेबस तो मुझे आशा करके एक्सपीरियंस मोर अच्छे मुझे बहुत एग्जाम मुझे आ जानी बहुत एक्सपीरियंस अच्छी मोर से मुझे ये वीडियो माध्यम रे तुमको कहवापी आसी अल्प समय के प्रिपरेशन करेंगे जो जानवाक चाहते प्लीज कमेंट करूँ मुझे आउ गए वीडियो नहीं आसवी तर ट्रिक मैं केमी डे बाय डे केमी प्लान करेंगे कौन पढ़े कौन स्किप करेंगे तो मुझे से गोटे वीडियो नहीं आसवि प्लीज कमेंट करेंगे ठीक अच्छे तापर आम कथ कि पीएससी जो स्टैंडर्ड टेस्ट पीएससी जो हम आम कौन हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट 5 किलोमीटर रेस हम पे 5 किलोमीटर रेस कौन मेल मानी के 24 मिनिट भितर 5 किलोमीटर दौड़ा पड़े से जेकोसी एस सी एस टी जहाँ भी कौन रिलैक्सेशन ना फीमेल मानी फिमेल मानी 1.6 किलोमीटर ये फीमेल मानी किस का मानी फीमेल मानी फीमेल मानी 1.6 किलोमीटर आपको कैसे टाइम 7 मिनिट्रे ये 24 मिनिट्रे तो कवर करने को पड़ो बुझेगा आ जो मैंने भी लदाख अच्छा जो कैंडिडेट लदाख रिजन अच्छा से भी रिलैक्सेशन अच्छी से मेल ये टाइम लगे सॉरी यहाँ मुझे भूल कहीदेली फीमेल लगुच 8.5 मिनिट लगे फीमेल ये जेनेल कैंडिडेट कहीदेली ये दुजाक जेनेल सरी ये जेनेल ये जेनेल जदि लदाख लदाख रे कैंडिडेट अच्छा आम किसी कह आवश्यक ना कौन मिले आमको तो ये पुह पिला जो रनिंग लगुच 1.6 लगुच आए 7 मिनिट्रे आ झीओ पे जो रनिंग लगुच 800 मीटर ता आधा 800 मीटर हाँ ठीक अच्छे 800 मीटर रनिंग लगुच आपको जो टाइम देवे 5 मिनिट लद्दाख रिजन बुझेगा तो ये थी आम पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एवं कथा हवा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट आम साधारण कौन ना हाइट वेट सेस ये सब जिन थाए तो से विषय तो जानी थे पे मैंने तथा तो मुझे जो पे जहाँ भी हाइट 170 सेंटीमीटर अच्छे 170 सेंटीमीटर 170 सेंटीमीटर अच्छे से जॉब को अप्लाई करूँ ऑब्वियसली हम जहाँ भी कम अच्छे जेनेल कि ओबीसी कैंडिडेट प्लीज अप्लाई करूँ ना क्या आगे कि देते पैसा बदबाद प्रिपरेशन करेंगे तब जा फिजिकाल फेल हो पलिबे चला तो जहाँ भी 170 रु टे सूते अध कम से ट्राए करेंगे ठीक अच्छे किंतु जो मैंने भी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बहुत पिला देखी एमती जो मैंने भी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कम तथापि से अप्लाई करूँ जा रिटिन पास करेंगे हेजू कांदी कांदी घर को आसवे अप्लाई ही करुच कहीं तुम मैंने बहुत बढ़िया बड़ा जब बाहर जब हाइट कम फोर जन गल ना अलग अलग चाकरी करवा क्लरिकाल चाकरी करवा
तो बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छे बिल्कुल ओरिज हूँ ना हाइट अच्छी तो अप्लाय करूँ जो ना अप्लाय करूँ ना बुझेगा। तो ये था हाइट विषय में। तो रिलैक्सेशन ये पुआ पिला झील पिला 157 सेंटीमीटर 157 ये हूँ फिमेल पाई, ये फिमेल पाई आ ये है मेल पाई बुझेगा। ये फिमेल मेल आम हाइट जानते आज रिलैक्सेशन मिलूँ आम एस टी मान एस टी मान के मिलूँ पे 162.5 एस टी मानी आंकर भी ये जी मेल है ये जी फिमेल है ये जी फिमेल है के 150 सेंटीमीटर ये फिमेल मैं सेमती अलग 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 रिलैक्सेशन अच्छी से विषय में कहबी भिडियो बहुत लंबा हो बुझेगा। चेस्ट जो कथा हाँ तो चेस्ट के कथा हाँ ना तुम अनएक्सपेक्टेड मानते जब फुलाइबे 80 सेंटीमीटर होता दरकार एक्सपैंड कला मिनिमम 5 cm बढ़ुवा दरकार 85 हवा दरकार। बहुत पिला ये क्वेश्चन पचारे बहुत पिला पचारे कि मोर 78 मुझे ना फेल हो कि चेस्ट रे चाहिए बहुत कम दिन रे चेस्ट कमी फुला जाए चेस्ट कमी करा जाए तो एटा अभीयसली कर चेस्ट जो क्या कम अच्छी से मैंने भावन मुझे अप्लाय करी मुझे फेल हो मुझे कहीदेवी जब कमेंट करी वीडियो भी बनई देखेदेवी। तो चेस्ट पर कौन करेंगे चेस्ट पर कहीदेवी तर एक्सरसाइज करदेवी। तो 78 सेंटीमीटर जरा अच्छी से अप्लाय करूँ जहाँ 70 तौक अच्छे से अप्लाय करूँ ना से फेल हो किसी आवश्यक ना कहीं टाइम भी ना कि कौन आप एक्सरसाइज करके बढ़ाईदे। अब एक्सपैंड जब बहुत पिला डाउट या था कि मोर सारे 85 सेंटीमीटर अच्छी आलैबी केमी 85 सेंटीमीटर तो कहते आप फुले कले हम ना जदि आप 85 सेंटीमीटर बिना फुले छाती अच्छी तेल 5 सेंटीमीटर फुलवाक ही पड़ो न फुले भी तुम्हें कौन ना फेल हो फुलवा ट्रिक के डाउट अच्छे कमेंट करेंगे मुझे कमी छाती फुला जाए आक्चुआल जो ट्रिक से कहीदेवी बिल्कुल ओरी हूँ ना। तो ये थिला चेस्ट विषय में तो आशा कर बुझी पार्थे यार भी रिलैक्सेशन रोच एस टी 76 एस टी 76 सेंटीमीटर आ फुले 5 सेंटीमीटर फुले पड़ो कि तार मिनिमम टाइम से कम करदे ठीक है। तो एमती रिलैक्सेशन भी रोचे तो वेट पर आज पर मेडिकल स्टैंडर्ड हाइट वेट आम एज अनुसार वेट होते दरकार वेट बहुत ज्यादा अधिका या बहुत ज्यादा कम हो ना दरकार भी तुमको फास्ट स्टेज कहीं फेल करेन मेडिकल रे फेल कर पारती सेत जाके फेल करेंगे ना लिखिदे ओवर वेट अंडर वेट ऐसे एमती लिखिदे बुझेगा। तो ये थिला वेट विषय में किसी इंपोर्टेंट जिनस। तो मेडिकल एग्जामिनेशन क्या मेडिकल एग्जामिनेशन किसी टेंशन ना दरकार ना तो बिल बेस किसी जानवा दरकार नहीं मेडिकल मेडिकल कौन मेडिकल जब फिट अच्छा एत रनिंग सब कुछ करसली तुम्हें फिट जो तुम्हें मेडिकल विषय बिल्कुल भी ओरिज हूँ ना हाँ ज्यादा बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि अंदर कौन किडनी खराब हो गोटे आखि देखा जाऊना कि बहुत मेजर प्रॉब्लम से मैंने ये जब दूरे रुहतु बाकी किसी सेम किसी प्रॉब्लम ना कि ज्यादा आखि प्रॉब्लम अच्छी देखा जाऊना तो से जब दूरे रुहतु ठीक अच्छे आज किसी मेजर प्रॉब्लम ना तो ऑब्वियसली आराम से मेडिकल क्लियर हो आवश्यक ना ये विषय अधिक किसी जानवा बुझेगा। तो ये थिला आज जहाँ भी मुझे कहीदी तो आज टी जिन बाकी रहीगला जैसे नेक्स्ट भिडियो नहीं आसबी नेक्स्ट भिडियो जानवा कि यार जो मोड ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस यार कौन रही जदि टाई हो जाए दिजन जब मार्क सामान हो जाए तो कमी डिसाइड हम किए से जबटा पाइब जो लास्ट पोस्ट थाए आ इम्पोर्टेन्ट इनस्ट्रक्शन अच्छी से विषय भी आम नेक्स्ट भिडियो नहीं आसबू क्या भिडियो बहुत लंबा हाँ लंबा हो जा बुझेगा। तो आज आजपाई एत विदाय दिंतु हाँ सब्सक्राइब करा भूलिए ना एत परिश्रम तुम मैं करा तो प्लीज जो मैंने भी भिडियो देखुं प्लीज सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर दिखाँ एमतीका इनफर्मेटिव भिडियोज क्लासेस पाइबापी। तो अपन देखा हम बहुत बढ़िया एजुकेशनल कंटेन्ट सह से विदाय दिंतु जय हिंद जय भारत।